मध्य प्रदेश राज्य सहकारी समिति कर्मचारियों का लगातार 29वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। सहकारी समिति कर्मचारी सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। कर्मचारियों का गुस्सा सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद सोमवार को सहकारी कर्मचारियों ने धरना स्थल पर अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। आज हमारे धरना प्रदर्शन का 27वां दिन है। 27 लगातार 26 दिनों तक हड़ताल चली, परंतु शासन प्रशासन के द्वारा हमारी किसी प्रकार की कोई भी मांग पर विचार विमर्श नहीं किया गया, इसलिए हम लोग आज मजबूर होकर अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम लोग अपने कपड़े लत्ते बेचकर यहां पर हड़ताल में बैठे हुए हैं, और अगर हमारी बात नहीं मानी जा रही तो इसके आगे भी और जो कदम हो गए हम लोग उठाएंगे। आज हमें हड़ताल संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हमारा आज 27वां दिन है हड़ताल का। हम विगत 16-8 से हड़ताल में बैठे हैं, और हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उनमें सर्वप्रथम मांग ये है कि जब हमसे इन कर्मचारियों से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें काम करा रही हैं, चाहे वो खाद्य वितरण का हो, चाहे ऋण वितरण का हो, चाहे ऋण वसूली का हो, चाहे उपभोक्ता वितरण हो, ये सारे काम जब इन कर्मचारियों से कराए जा रहे हैं तो इनका भी वेतन मान शासकीय कर्मचारी की भांति वेतन दिया जाए, प्रमुख मांग।